वेलकम बैक टू माय चैनल रुफिया का किचन। कैसे हैं फ्रेंड्स, सब अच्छे हैं ना। चलिए बनाते हैं आज एक नई रेसिपी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है 250 ग्राम मूंगफली, जो हमने छिटे इसके निकाल लिए हैं। 250 ग्राम जगेरी यानी गुड़ लिया है। 250 ग्राम मैदे का आटा लिया है और 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून हमने सूजी लिया है और घी लिया है 2 टेबलस्पून और दूध लिया है और इलायची पाउडर लिया है, जिससे हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हम मैदे का आटा इस बाउल में डाल लेंगे, उसके साथ हम सूजी भी ऐड कर देंगे। ये घी है ना, हम गरम करके इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, इससे हम एक अच्छा डो तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अब डो बना लिया है और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट में रख देंगे और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस मूंगफली को हम इस मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। बहुत बारीक भी नहीं पीसना है, बहुत दरदरा भी नहीं पीसना है, मीडियम पीस कर इसमें हमको गुड़ ऐड करना। फ्रेंड्स, हमने सारी मूंगफली इस तरह से पीस ली है, बहुत दरदरी भी नहीं, बहुत बारीक भी नहीं, मीडियम में पीस ली है। आपको भी ऐसे ही पीस लेना है और ये गुड़ इसमें ऐड कर देना है, ऐड करके पीस लेना है। हमने सारी मूंगफली गुड़ डालकर पीस लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा डो पूरी तरह से तैयार है। अब इसके हम छोटे छोटे रोलियां बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके हम छोटे छोटे ऐसे रोलियां बना लेंगे। आपको ऐसा ये करना है और इसके छोटे छोटे हमको रोलियां बना लेना है और उसको गोल गोल करके रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमको ऐसे छोटे छोटे रोलियां बना लेना है। आपको किस साइज के चाहिए उस साइज के आप बना ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे रोलियां बना ले हैं। अब एक एक करके हम इसको बेल लेंगे। हम थोड़े से मैदे के आटे में ये रोली डिप कर लेंगे और इसको ऐसे रख लेंगे। आपको ऐसे बेल लेना है। आपको बड़े साइज हो तो बड़े साइज बेल लेना है, आपको छोटा साइज होना हो तो छोटा साइज बेल लेना है। आपको अच्छे से ऐसे जैसे हम मोमोज को बेल लेते हैं, वैसे ही हमको गुजिया को ये बेल लेना है। इसे हम कनोले भी कहते हैं, पूरी भी कहते हैं और गुजिया भी कहते हैं। ऐसे आपको बेल लेना है और आपके ये बहुत पतले भी नहीं होना चाहिए और बहुत जाड़े भी नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज में ऐसे बेल लेना है। फ्रेंड्स, देखिए हमारा पत्ता कितना अच्छा हो गया है, ऐसा आपको बेल लेना है। हम दूसरा आटा ले लेंगे और उसको भी ऐसा करके बेल लेंगे। आपको ऐसे बेल लेना है, इसके किनारे अच्छे से बेल लेना है, इसको मोटा नहीं रखना है। इसमें अच्छे से स्टफिंग होना चाहिए। स्टफिंग होने के लिए अच्छे से आपको चारों तरफ से बेल लेना है। फ्रेंड्स, हम एक पत्ता ले लेंगे और उसमें हम ये जो हमें मूंगफली की स्टफिंग बनाई है उसमें हम डाल देंगे और उसको अच्छे से ऐसा फैला लेंगे। आपको अभी अच्छे से फैला लेना है और जो हमने दूध लिया है उसको हम चारों ओर से राउंड होकर इसको हम लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी और हमारी पूरी पूरी परफेक्ट होकर क्लोज हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लगा लेना है और उसको ऐसे अच्छे से दबाकर ऐसे हमको क्लोज कर लेना है। इससे क्या होगा, हमारी पूरी परफेक्ट बन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छी तरह से हमारी पूरी क्लोज हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पूरी बना लेना है और इसको ऐसा कंप्लीट क्लोज करना है। इसी तरह से हम सभी पूरियां बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे पूरियां बना लिए हैं, गुजिया बना लिए हैं और इसको कनोले भी कहते हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसको हम एक एक करके पूरियां इसमें डालेंगे।
पहले आपको लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, बाद में आपको फ्लेम मीडियम करना है और अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पूरियां कैसे फूल रहे हैं और कितने अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। और इसको हम पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है और कितने अच्छे से फूल चुकी हैं। ऐसे ही आपको पूरियां बना लेना है। इससे क्या होगा, आपकी पूरियां बहुत टेस्टी होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें हमारे पूरियां इसमें प्लेट में निकाल लेंगे। और देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, कितने अच्छे फूल चुके हैं। ऐसे ही पूरियां आप भी बना लीजिए। ऐसे ही हम सारी पूरियों को तल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे सारे पूरियां बना लिए हैं और कितने अच्छे हुए हैं और कितने अच्छे गोल्डन कलर आ चुका है। आप भी देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे बने हैं और कितने सॉफ्ट और क्रिस्पी बने हैं। बाहर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी बने हैं और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। ऐसे पूरियां आप भी बनाइए। ऐसे अच्छे रेसिपी पाने के लिए रुफिया का किचन सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, गुड डे।